जो मेरे टेक्नीशियन और आर्टिस्ट हमेशा ये कहते हैं कि सुभाष जी एक फिल्म और बनाइए, एक फिल्म और बनाइए, और मैं स्क्रिप्ट लिखता रहता हूँ। जब तक मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आता, मैं फिल्म नहीं बनाता। लेकिन जब ये फिल्म ताल, जब ये थिएटर खुला न्यू एक्सेलसियर, तो यहाँ पर कुछ क्लिपिंग्स दिखाई गई, तब मेरे आर्टिस्टों ने, स्टाफ ने, सब ने कहा ये फिल्म जो है ताल यंगस्टर्स को बड़ी स्क्रीन पर दिखानी चाहिए, क्योंकि न्यू जनरेशन ने ये फिल्म देखी नहीं है। उन्होंने टेलीविज़न पर देखी है बहुत बार, लड़के लड़कियों को बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ईमेल भी बहुत आए, मैसेज भी बहुत आए कि इसको बड़े पर्दे पर दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ताल फिल्म है या कर्ज फिल्म है या दूसरी फिल्में हैं, वो बड़े पर्दे के लिए ही लिखी गई थी। उनका डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइन, सिनेमाटोग्राफी, म्यूज़िक बड़े पर्दे के लिए किया गया था। जब बड़ा पर्दा बोलते हैं तो छोटी स्क्रीन नहीं, एक 150 वाला थिएटर नहीं, न्यू एक्सेलसियर में 600 सीट्स हैं, तो एक सिंगल थिएटर लगता है, लेकिन मल्टीप्लेक्स का एक इफ़ेक्ट देता है। तो अगर आप यहाँ ताल देखें तो आपको बिल्कुल ही वो एक्सपीरियंस लगेगा जो कि जब रिलीज़ हुई थी फिल्म, जब 99 में ये बहुत बड़ी हिट हुई थी और लोगों ने जिस तरह से इसको इन्जॉय किया था, वो सेम एक्सटेसी, सेम एक्सपीरियंस आपको आज मिलेगा यहाँ पर सिनेमा हॉल में देखकर। क्योंकि कुछ फिल्में डिज़ाइन की जाती हैं बड़े पर्दे के लिए और फिर कहानी बताई जाती है, तो ये फिल्में जो हैं, कर्ज है या सौदागर है या खलनायक है या परदेश है, ये बड़े पर्दे के लिए डिज़ाइन करते थे हम लोग। तो मुझे खुशी है कि हमारे मुक्ता सिनेमा ने ये डिसाइड किया कि आपकी सब फिल्में जो हैं हर दो वीक के बाद हम एक फिल्म दिखाएंगे। अभी अगले हफ्ते ताल फिर चलेगी, संडे शो होगा, फिर नेक्स्ट संडे कर्ज होगी, उसके संडे फिर खलनायक होगी। तो इस तरह फिल्में हम लोग बाहर से भी मंगाएंगे, जो बड़ी फिल्में बाहर बनी हैं, रंग दे बसंती है, शोले हैं, और भी बहुत अच्छी फिल्में जो बड़े पर्दे के लिए बनी हैं, उनको हम मैटनी शो संडे को हर बार दिखाएंगे। देखिए, सीक्वल बनाने में जो ज़्यादातर चालाकी होती है कि हम पिछले टाइटल को कैश करते हैं, लेकिन मैं वो कभी नहीं करता। मैं तभी करूँगा जब मुझे लगेगा कि जो अगला स्क्रिप्ट है वो पहले से बेहतर है। जब स्टोरी स्क्रिप्ट पहले से बेहतर हो तो आपको टाइटल लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे टाइटल में 2-3 डाल के और कहानी आपने कुछ भी ना लिखी हो और पहले से बेहतर ना हो, तो उसमें कोई तुक नहीं बनती, वो एक बेईमानी किस्म की चीज़ है, मार्केटिंग गिमिक है आई वुड से। सो वी विल मेक ताल, व्हेन आई एम गोइंग टू मेक ए म्यूजिकल बेटर देन ताल, देन आई विल मेक ताल टू। देखिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है जो रिक्रिएट करते हैं या रिवाइज करते हैं या कवर वर्शन बनाते हैं, रीमेक बनाते हैं, कोई हर्ज, क्योंकि वो अपने तरीके से बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरे जैसे बंदे को नई फिल्म बनानी ही चाहिए। मैं कोई भी फिल्म अपनी पुरानी देखता ही नहीं कभी। मैं शायद आज ये ताल 20 साल के बाद खुद देख रहा हूँगा, मैंने टेलीविज़न पर भी नहीं कभी देखी, तो मैं वो फिल्म कैसे बना सकता हूँ जो मैंने फिल्म देखी नहीं दोबारा। तो मेरा हमेशा प्रण रहा है कि जो अगली फिल्म हो वो एक नई किस्म की फिल्म होनी चाहिए और तुम्हारी फिल्म बेस्ट फिल्म होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि जो आप समझते हैं कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ विदाउट इमोशंस हैं। दे ऑल्सो लव इमोशंस, दे आर ऑल्सो सीरियस अबाउट रिलेशनशिप, लेकिन ये बात है कि उनमें जो सीरियसनेस है, डेप्थ है, वो अर्बन सोसाइटी में कम हो सकती है, लेकिन जो हिंदुस्तान है, जो छोटे शहरों में बसता है, जो सही हिंदुस्तानी है, उसमें इमोशन बहुत स्ट्रांग आज भी हैं। आज भी हम अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को, बहन को, दोस्त को प्यार करते हैं और दिल से प्यार करते हैं और बलिदान भी देते हैं, सेक्रीफाइस भी करते हैं। आप जो कह रहे हैं वो थोड़ी अर्बन के कुछ सेक्शन होते हैं जिसमें कि आप बच्चे लोग इंडिविजुअल चले जाते हैं और इसको मजाक समझते हैं, प्रेम, दया, धर्म, इसका वो जोक करते हैं, लेकिन वो भी थोड़े थोड़े लोग हैं। अदरवाइज़ पूरा हिंदुस्तान आज भी
दया धर्म प्यार प्रेम से संपूर्ण है। और विनोद खन्ना एक बहुत ही अच्छे आत्मा हैं। मैं उनको 20 साल से जानता हूँ, मेरे मित्र रहे हैं, मैंने काम नहीं किया है, लेकिन मैं जितना भी उनको जानता हूँ, वो पॉलिटिक्स में भी गए तो भी वो भी एक डिवाइन ही आदमी थे जो पॉलिटिक्स में चला गया। वो एक्टर भी बना तो डिवाइन आदमी ही था। उसमें एक अपना साधुत्व है उसी, और जो एक अपना पन, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो दिल से भी बहुत हैंडसम थे और विचारों में भी बहुत शुद्ध थे। हमारे विस्लिंग वुड्स के वो ट्रस्टी रहे, हमने उनको ट्रस्टी बनाया इसीलिए कि उनके पास कोई प्रेजुडिस, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता था। अभी देखो वो क्षण आता है जब जीवन ऊपर नीचे डगमगाता है, जब जीवन ऊपर नीचे डगमगाता है तो हम सबको हमारा फ़र्ज है कि हम प्रार्थना करें कि ईश्वर करे कि उनकी लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य हो और वापस आ जाए। ऐशुराय भी आना चाहती थी आज और अक्षय खन्ना भी आना चाहते थे, लेकिन दोनों का जो आज अवस्था चल रही है आप देख रहे हैं। ऐश्वर्य जी के पिता का देहांत अभी 15-20 दिन पहले हुआ है और इनका भी, अक्षय खन्ना के पिता की अवस्था ठीक नहीं है। तो मैंने उनसे खुद ही कहा कि आप मत आइए, कोई ज़रूरी नहीं है, सेलिब्रेशन तो फिर भी करेंगे, लेकिन आज उन्होंने भी आना था और वो नहीं आ सके।